हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटेंसिटी कैलकुलेशन इन लेंस। ओके, तो पहली बात कि हम जो भी क्वेश्चन डील करते हैं इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ओके, जैसे एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं, या उसके पहले एक थ्योरी आपको बता दो। सपोज करिए एक पैरेलल लाइट बीम है, सिलेंडर लाइट बीम है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया रेडियस ए है, इधर है आर है, रेडियस आर है। क्योंकि क्या है कि इस लाइट बीम की इंटेंसिटी आई है, तो बताइए इस लाइट बीम का पावर क्या होगा। तो पहला केस मैंने स्ट्रिक्ट किया पैरेलल बीम, पैरेलल बीम। तो अगर इंटेंसिटी लाइट की आई है और ये क्रॉस सेक्शन रेडियस आर से ये लाइट रेस बाहर निकल रही है, तो इस बीम का जो पावर होगा, पावर वो होगा इंटेंसिटी इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट थिंग्स, पावर, पावर ऑफ पैरेलल बीम। तो दिस इज पावर ऑफ लाइट बीम। तो इस लाइट बीम का पावर क्या होगा, आई इंटू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आई क्या है, इस लाइट बीम की इंटेंसिटी है, और आर क्या है, इसका रेडियस है। तो पावर इज व्हाट, इंटेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर। मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूँ, ये आपको याद करना है। कोई पूछे कि पैरेलल बीम का पावर क्या होगा, तो आंसर इज इंटेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर, ये पावर कहलाएगा पैरेलल बीम। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा पॉइंट सोर्स के विषय में। अगर एक पॉइंट सोर्स है, सपोज एक पॉइंट सोर्स ये सोर्स, इसका पावर पी है, तो कोई पूछे कि इससे आर दूरी पे एक पॉइंट है, पॉइंट, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी। सपोज कर दिस पॉइंट इज एम, इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इस पॉइंट पे इस पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी को डिफाइन किया गया पावर डिवाइड बाई 4πr², ये आपको याद रखना है। रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी इसको कवर्ड करती है। तो कोई पूछे कि पावर क्या होगा, पॉइंट सोर्स का पावर, तो इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाई 4πr², और यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो क्या है, पावर अपन πr². तो दोनों में देखो फॉर्मूले में अंतर है। पैरेलल बीम के केस में पावर बराबर इंटेंसिटी इंटू πr² लिखेंगे, और पॉइंट सोर्स के केस में हम लोग इंटेंसिटी पावर अपन 4πr² लिखेंगे। इसी को दो को फिलहाल अभी याद रखना है इस टॉपिक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर क्वेश्चन डील करने के लिए। ओके, चलिए ये क्वेश्चन डील करते हैं। सपोज करिए एक कॉन्वेक्स लेंस है इस तरीके से, और यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस है इस तरीके से, ठीक है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। एक रेज इस तरीके से आ रहा है, एक रेज इस तरीके से आ रहा है, और जो इसका अपर्चर रेडियस है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस का अपर्चर रेडियस का मतलब ये हुआ कि सपोज कि कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से, अगर ऐसे कॉन्वेक्स लेंस है, ये सर्कुलर पार्ट है, तो इस पार्ट का जो रेडियस है, सेंटर से लेकर इस सरफेस तक का जो रेडियस है, उसको बोलते हैं अपर्चर रेडियस, अपर्चर रेडियस। जैसे कि अगर यही कॉन्वेक्स लेंस है तो ये सर्कुलर है, अगर ये सिलेंडर बीम है, इसका रेडियस आर है, दिस वन इज द आर, तो इस, अच्छा ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका रेडियस आर है, मतलब अपर्चर का रेडियस आर है, दिस अपर्चर का रेडियस आर है, रिपीट कर रहा हूँ, अपर्चर का रेडियस आर है, ये इस कर्व सरफेस का रेडियस आर नहीं है, अपर्चर का रेडियस आर है, ये ध्यान रखिएगा। अपर्चर का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि सपोज कि ऐसा कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसा कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये अपर्चर कहलाएगा, अपर्चर, इस अपर्चर का रेडियस ये क्या है, आर है, स्मॉल आर है। और अगर ऐसा है कॉन्वेक्स लेंस, तो इस कर्व सरफेस का रेडियस कैपिटल आर कहलाता है, जो कि हम लोग फॉर्मूले में यूज़ करते हैं। आपको समझ में आ रही होगी बात, ये जो कहलाएगा कर्व सरफेस का रेडियस कैपिटल आर कहलाएगा, लेकिन इस लेंस को चूँकि हम ऐसे बना रहे हैं, देखो ये जो लेंस ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे, इसको अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये पार्ट सर्कुलर होगा, इस सर्कुलर पार्ट का ये जो रेडियस होगा ये कहलाता है अपर्चर का रेडियस, और इस कर्व का रेडियस कहलाता है लेंस का रेडियस कैपिटल आर, जो कि फॉर्मूले में यूज़ करते हैं म्यू माइनस वन अपन आर वाले फॉर्मूले में। तो एक लाइट बीम है जिसकी इंटेंसिटी सपोज करें आई नॉट है, जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस जिसका अपर्चर रेडियस आर है उस पर पड़ रहा है, और इसका फोकल लेंथ दिया गया सपोज करिए 20 सेंटीमीटर, और इसकी जो बीच की दूरी है सपोज करिए 30 सेंटीमीटर। इसको आप लिख लीजिए दिस इज 40 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन 1, इस लेंस का फोकल लेंथ क्या 40 सेंटीमीटर,
बीस दूरी है 30 सेंटीमीटर, और इस लेंस का फोकल लेंथ दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है, पूछता है फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट रेस, इमर्जेंट रे, सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। तो ये 30 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये रे जो पैरल आ रही है इसका फोकस 40 है, तो जो रेज होगी वो फोकस की तरफ जाएगी ना, पैरल रेज आ रही है तो फोकस की तरफ बेंड होगी। तो ये जो रेज आएगी, और ये 30 है, ये 40 है, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी पे, यहाँ पे, तो ये जो रेज आएगी वो इस तरीके से जाएगी, ऐसे, ऐसी रेज जाएगी, ऐसी रेज जाएगी, ऐसे जाएगी, ये जो रेज आएगी वो इस तरीके से आएगी। ले अब इससे जो इमेज बनेगा, इसके लिए बनेगा ऑब्जेक्ट, इसके लिए बनेगा ऑब्जेक्ट। तो ये जो रेज आ रही है, ये जो रेज तो फोकस की तरफ आ रही है, अगर रेज फोकस की तरफ आएगी तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल हो जाएगी। मतलब ये जो पैरल बीम इधर से आ रही है वो यहाँ से जब रिफ्रैक्ट होगी तो इस लेंस के फोकस की तरफ जाएगी, जो कि 40 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, और ये 40, ये 30, तो ये दूरी कितनी आएगी, 10 आएगी। तो ये जो रेज आ रही है, ये जो रेज आ रही है वो इस लेंस के फोकस की तरफ जा रही है, अगर जा रही है तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होगी, पैरल हो जाएगी। तो हमें इसकी इंटेंसिटी जाननी है, आई वन कितनी, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा गया। तो इतना तो कन्फर्म है कि जो आई वन आनी चाहिए साइन आउट से ज़्यादा आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये नॉन एब्जॉर्बिंग है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, तो इधर से जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी पहले ज़्यादा रेडियस में थे और बाद में कम रेडियस में आ रही है ना, इस ई बी पैरल बी में इसका रेडियस तो इससे कम बनेगा। तो अगर कम रेडियस में जाएगी तो उतना ही एनर्जी, अगर कम रेडियस में जाए तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होता है, पावर अपान परपेंडिकुलर एरिया। इंटेंसिटी क्या होगी, पावर अपान एरिया। तो यहाँ का एरिया कम हो गया तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब एरिया निकालने का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले पावर निकालते हैं, इधर से कितनी एनर्जी जा रही होगी, तो जो एनर्जी जा रही होगी इनपुट एनर्जी वो कितनी होगी, इंटेंसिटी आई नॉट और पैरल बीम का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर वन। तो ये जो एनर्जी जो इधर से जा रही है वो इधर से निकल रही है, ऐसे बाहर निकल रही है, बस इस बीम का रेडियस निकल जाए ना, आर वन, तो फिर इसी पावर को इसके एरिया से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या इस बीम की इंटेंसिटी आ जाएगी, हाँ आ जाएगी। चलिए निकालते हैं, अगर ये आर वन है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो आर वन ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके ये लाइन पैरल है, तो अगर ये आर वन तो आर वन होगा। अच्छा, ये ट्रायंगल, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है और ये छोटा वाला ट्रायंगल है, क्या सिमिलर ट्रायंगल है, यस भाई, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, तो लगा दें सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो क्या लिखेंगे, आर अपान ये दूरी आर वन इज इक्वल टू, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 40 है ना, क्योंकि ये 30 ये 10 40 एंड डिवाइड बाई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी 10। तो यहाँ से आर वन की वैल्यू क्या आ गई, आर वन इज आर अपान 4, तो रेडियस मिल गया इस बीम का आर अपान 4। तो कोई पूछे इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इंटेंसिटी आई वन इक्वल टू यहाँ का पावर। अच्छा, आउटपुट पावर और इनपुट पावर तो सेम होगा, क्यों, क्योंकि अगर ये नॉन एब्जॉर्बिंग है तो जितनी एनर्जी इधर से आ रही है वही तो इधर से पास कर रही होगी, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि बताइए यहाँ का पावर क्या होगा, तो इनपुट पावर बराबर होगा क्योंकि मीडियम नॉन एब्जॉर्बिंग है। तो ये इंटेंसिटी की पावर कितनी है, आई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, पावर इज आई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई इस बीम का एरिया, वो कितना बनेगा, पाई इंटू आर वन का स्क्वायर, तो हो गया ना आई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई इंटू आर वन, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो बनेगा आर स्क्वायर अपान 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और आई वन की वैल्यू क्या आ गई, 16 इंटू आई नॉट, एंड दिस इज आंसर। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में इधर से जो इंटेंसिटी आई नॉट आ रही है, जब इससे रिफ्रैक्ट होकर फाइनली निकलेगी तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 16 टाइम्स इंटेंसिटी हो जाएगी, 16 आई नॉट। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, एक पैरल बीम आ रही है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, और इसका जो अपर्चर रेडियस है वो आर के बराबर है, 20 सेंटीमीटर दूरी पे एक स्क्रीन है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर पैराक्सियल कंडीशन को हम मान लें कि होल्ड कर रहा है, तो बताइए इस स्क्रीन पे इंटेंसिटी कितनी होगी। ओके, चलिए, तो ये जो भी रेज आएगी, फोकस 40 है तो रेज ऐसे जाएगी इस तरीके से, आप आगे कर बढ़ाएंगे, ये रेज ऐसे जाएगी यहाँ मिलेगी, तो ये 40 है तो यहाँ से यहाँ तक 40 बनेगी, मतलब ये दूरी कितनी बनेगी, ये 20 बनेगी। और दूसरी चीज़, अगर हम पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन मान रहे हैं तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल बहुत ही कम होगा, मतलब ये जो आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है ना उतना ज़्यादा नहीं होगा, ये रेज लगभग ना पैरली जैसे होंगे,
क्योंकि हम लोग पैराक्सिल अप्रॉक्सीमेशन की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब आर की वैल्यू बहुत ही कम हो जाए तो ये दोनों रेज अप्रॉक्सीमेट क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हमें यहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी है, वो भी अप्रॉक्स निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट पावर निकालेंगे। पता है मैं बार बार इनपुट पावर निकाल रहा हूँ, क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि इनपुट पावर निकालने से जो एनर्जी यहाँ से निकलेगी वही तो एनर्जी इस स्क्रीन पर पड़ेगी, तो एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी ना, तो पावर इंटेंसिटी निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि पावर अपन इसका एरिया लिख लेंगे। तो इसके रेडियस अपने मन से आप क्या मान लीजिए, आर वन मान लीजिए। तो पावर इनपुट पावर क्या होगा, इंटेंसिटी आई नॉट इंटू इसका अपर्चर एरिया पाई आर स्क्वायर, यही यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे इंटेंसिटी अगर आई वन है तो आप आई वन क्या लिखेंगे, इनपुट पावर मतलब आई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई इसका एरिया कितना लिखेंगे, पाई इंटू आर वन के स्क्वायर। तो पाई स्पाई कट गया, आई नॉट इंटू आर अपन आर वन का होल स्क्वायर।